गुरुदेव, जय श्री राम, राधे राधे। आज के इस वीडियो में मैं परम पूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी द्वारा लिखित सच्चे साधक के लिए एक अंतरंग वार्ता पुस्तक की का एक सुविचार लेकर आई हूँ, जो उन्होंने बेंगलोर आश्रम में सत्संग के दौरान बताया था। सबसे पहले तो आप सबों से आग्रह करूँगी कि आप सब इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस वीडियो को पूरा देखें और कमेंट में जय गुरुदेव जरूर लिखें। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं इस तरह की वीडियो आप लोगों तक ला सकूं। गुरुदेव श्री श्री रविशंकर द्वारा लिखित सच्चे साधक के लिए एक अंतरंग वार्ता पुस्तक में गुरुदेव कहते हैं कि हम प्रायः ईश्वर को पिता के रूप में देखते हैं, कहीं ऊपर स्वर्ग में देखते हैं। जब हम ईश्वर को पिता के रूप में देखते हैं तब हम उनसे कुछ मांगना चाहते हैं, हम उनसे कुछ लेना चाहते हैं। लेकिन जब भी हम ईश्वर को शिशु के रूप में देखते हैं तो हमारे अंदर से मांग हमारी अपने आप खत्म हो जाती है। गुरुदेव कहते हैं कि ईश्वर तो हमारे अस्तित्व का अंतःकरण है, हम ईश्वर को धारण किए हुए हैं, ईश्वर हमारे अंदर ही स्थित हैं। गुरुदेव कहते हैं कि हमें तो बस अपने गर्भ का ध्यान रखना है। जैसे गर्भ में एक शिशु पल रहा होता है तो उस गर्भ में शिशु रूप में ईश्वर स्थित हैं। इस शिशु को संसार में जन्म देना है। अधिकांश व्यक्ति तो जन्म ही नहीं देते हैं, जो जन्म देता है वह वरदान भी दे सकता है। गुरुदेव कहते हैं कि ईश्वर हमारा शिशु है, जो हमसे बच्चे की तरह, शिशु की तरह हमारे गर्भ में चिपका रहता है, जब तक हम वृद्ध हो नहीं जाते, वृद्ध होकर मर नहीं जाते। यह शिशु भक्त से चिपक कर, यह ईश्वर रूपी शिशु भक्त से चिपक कर पोषण के लिए पुकारता है और उस ईश्वर रूपी शिशु का पोषक आहार क्या है? साधना, सत्संग और सेवा। तो हमें प्रतिदिन उस शिशु रूपी ईश्वर को प्राप्त करने के लिए साधना, सत्संग और सेवा का आहार देना चाहिए। हमें प्रतिदिन साधना करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, कुछ ज्ञान की बातें सुननी चाहिए और जितना हो सके सेवा करना चाहिए। एक व्यक्ति गुरुदेव से प्रश्न पूछता है कि हम बच्चे से प्रार्थना नहीं कर सकते हैं, प्रार्थना तो केवल अपने माता पिता से कर सकते हैं, तो हम ईश्वर के को तो अपने पिता के रूप में ही देखते हैं, देख सकते हैं। तो ऋषि कहते हैं कि हमें प्रार्थना करनी ही क्यों है, हमें मांगना ही क्यों है, क्योंकि एक अच्छा पिता तो जानता है कि उसे क्या देना है। तो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए तो समर्पण चाहिए और ईश्वर शिशु के रूप में हमारे अंदर स्थित है, बस हमारा उस ईश्वर रूपी शिशु के लिए समर्पण चाहिए। और इस समर्पण के साथ हम प्रतिदिन साधना, सत्संग और सेवा करके, इनका पोषक आहार देकर हम अपने अंदर स्थित इस शिशु रूपी ईश्वर को जन्म दे सकते हैं। धन्यवाद। जय गुरुदेव, जय श्री राम, राधे राधे।